फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्स लीगम। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल इंटर्नशिप फॉर द लॉ स्टूडेंट्स एट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट्स में लीगल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की बात करें तो ये क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट इज़ अ बॉडी ऑफ जूरिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्किंग टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी अराउंड द वर्ल्ड। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग कंपेन फॉर लीगल अवेयरनेस। बिसाइड्स दैट, वी हैव अ यूनिक मैंडेट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड द सोशल जस्टिस फॉर मेकिंग प्रोविजन्स ऑफ फ्री लीगल एड एंड बाई मेंटेनेंस ऑफ द एफिशियंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, जो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट है, ये लीगल अवेयरनेस के लिए ये जूरिस्ट की बॉडी है, जिसमें काफ़ी जूरिस्ट इंटरनेशनली साथ में लीगल अवेयरनेस का वर्क करते हैं और लॉ को एनफोर्समेंट का काम करते हैं। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ऑफर कर रही है लॉन्ग टर्म ट्रेनीशिप फॉर इट्स न्यू दिल्ली ऑफिस एट DS 423/424 न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में आपको ये इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी है। ड्यूरेशन ऑफ इंगेजमेंट की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ इंगेजमेंट का है, द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर विथ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नीड टू ज्वाइन शॉर्टली अपॉन सेलेक्शन। इंटरेस्टेड इंडियन नेशनल्स हैविंग द अबव मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवेन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, आपको 10 मार्च 2022 से पहले अप्लाई करना होगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ BA LLB एंड LLB कोर्स और रिसाइडिंग इन दिल्ली, आप दिल्ली के रेसिडेंट्स होने चाहिए ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? आउटस्टैंडिंग कमांड ऑफ द इंग्लिश होना चाहिए, एक्सेलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थिंकर होने चाहिए, मस्ट हैव बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज एंड वेल वर्स्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपको प्रिपेयर करना होगा केस नोट्स ऑन द जजमेंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रूफ रीड मटेरियल टू एंश्योर मटेरियल इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड क्रेडिबल एंड दैट टेक्स्ट इज वेल रिटन ग्रामेटिक correctly and accessible, and the third one is they must be required to correct spelling, grammar and layout or check content, impose consistent styles and reword or rewrite। तो आपके responsibilities इतनी होंगी। साथ ही देखा जाए तो अगर इसमें आपको पर्स क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, साथ ही 6,000 rupees per month आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। वैकेंसी देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 इंटर्नशिप की है, टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 8 PM तक की यहाँ पे आपको टाइमिंग वर्क करना होगा। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो internationaljurist6@gmail.com पे अपना CV और रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं फॉर दिस अप्लीकेशन ऑफ इंटर्नशिप। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है लिंक, ऑफिशियल लिंक, आप जाके उनकी वेबसाइट से गो थ्रू हो सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आप फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।